हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ वायरमैन, मोटर मैकेनिक, रेडियो एंड टीवी इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वेल्डर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एवं रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग। तो इन सब ट्रेडों की जो कि प्रैक्टिस सेट है वो मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो आप लोग जितने भी लोग अभी तक इस यूट्यूब चैनल पर नहीं जुड़े हुए हैं वो लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएँ, क्योंकि आपके एग्जाम्स करीब हैं, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकें। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो आगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस प्रकार के अग्निशामक विद्युत परिपथ में आग लगने पर प्रयोग किए जाते हैं। तो किस पदार्थ के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है विद्युत परिपथ में आग लगने पर? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जल अग्निशामक, ऑप्शन बी है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन सी है फोम प्रकार का अग्निशामक और ऑप्शन नंबर डी है सोडा एसिड अग्निशामक। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, विद्युत परिपथ में मतलब कि इलेक्ट्रिकल सर्किट, मतलब कि बिजली से लगी हुई आग को किससे हम बुझा सकते हैं? तो वो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 से हम बुता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सोलर सेल किस पदार्थ का बना होता है। यहाँ देखिए ल छूट गया है, सोलर सेल किस पदार्थ का बना होता है? तो सेमी कंडक्टर मटेरियल का बना होता है या फिर सर्किट रेजिस्टेंस का बना होता है, ए और बी दोनों का बना होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेमी कंडक्टर मटेरियल का बना होता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलिए देखते हैं। रेडियो तरंगों को प्रेषित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो रेडियो तरंगों को प्रेषित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? ट्रांसफार्मर कहलाता है, ऑप्शन बी ट्रांसमीटर, या ऑप्शन नंबर सी एलिमीटर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्रांसमीटर के द्वारा ही रेडियो तरंगों को ट्रांसमिशन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीन मूल रंग कौन कौन से होते हैं? आपको इनमें से तीन इम्पॉर्टेंट जो कि मूल रंग होते हैं, बेसिक कलर होते हैं, वो कौन कौन से हैं वो बताना है यहाँ पर। तो लाल रंग होता है काला और हरा, या ऑप्शन नंबर बी पीला हरा नीला, ऑप्शन नंबर सी लाल हरा नीला, और ऑप्शन नंबर डी लाल हरा बैंगनी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल हरा और नीला हो जाएगा। ठीक है, ये तीन बेसिक कलर्स हैं। और आगे चलिए देखते हैं, सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड क्या होता है? एक हरी परत वाली क्वाइल होता है, या फिर दोहरी परत वाली क्वाइल होता है, या फिर चौहरी परत वाली क्वाइल होता है, या ऑल ऑफ द एबव मतलब उपर्युक्त सभी होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोलेनॉइड एक हरी परत वाली क्वाइल होती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एम्पलीफायर को ऑसिलेटर बनाने के लिए क्या आवश्यकताएं होती हैं? एम्पलीफायर को ऑसिलेटर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? तो इसकी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फीडबैक का होना, ऑप्शन बी है सर्किट में लागू किया जाने वाला फीडबैक उस सर्किट में हुई हानि से अधिक मात्रा में होना चाहिए। ठीक, इसके बाद ऑप्शन नंबर सी है फीडबैक इन फेज होना चाहिए, और ऑप्शन नंबर डी ऊपर बताई सभी बातें आवश्यक हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो एम्पलीफायर को ऑसिलेटर बनाने के लिए सर्किट में लागू किया जाने वाला फीडबैक उस सर्किट में हुई हानि से अधिक मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोटर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो मोटर कितने प्रकार के होते हैं? ये ऑप्शन नंबर ए तीन प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी चार प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी एक प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी दो प्रकार के। तो आपका कौन होता है सही ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा? मोटर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो मोटर दो प्रकार के होते हैं, और कौन कौन होते हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मोटर्स कौन कौन से होते हैं, वो दो प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, इसके बाद अगला चलिए देखते हैं। अगला है, इलेक्ट्रो एचिंग क्या है?
इलेक्ट्रो एचिंग के बारे में बताना है कि इलेक्ट्रो एचिंग क्या है। तो ऑप्शन ए है इसका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाने की प्रक्रिया है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है विद्युत धारा प्रवाहित करने की प्रक्रिया, या ऑप्शन नंबर सी है सेलों का मिश्रित समूह होता है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाने की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रो एचिंग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? तो शुष्क सेल का जो विद्युत वाहक बल कितना होगा, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 3 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी है 4.5 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी है 1.5 वोल्ट, और ऑप्शन नंबर डी है 6 वोल्ट। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1.5 वोल्ट। शुष्क सेल जो होती है उसका विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है लेड एसिड सेल में पैदा होने वाले प्रमुख दोष कौन कौन से हैं? तो लेड एसिड सेल में पैदा होने वाले प्रमुख दोष कौन कौन से होती है, जो कि इसका ऑप्शन देख लेते हैं। बकलिंग होता है, या सल्फेशन होता है, या कोरोजन होता है, या उपर्युक्त सभी होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। लेड एसिड सेल में बकलिंग भी होता है, सल्फेशन भी होता है, और कोरोजन भी होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हवा तथा निर्वात के लिए चुंबकशीलता का मान क्या होना चाहिए, क्या होता है? ठीक है, हवा तथा निर्वात के लिए चुंबकशीलता का मान क्या होता है? और इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है इकाई, ऑप्शन नंबर सी है इकाई वेबर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इकाई। हवा तथा निर्वात के लिए चुंबकशीलता का मान एक होना चाहिए, मतलब कि इकाई होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कार्बन प्रतिरोधक कम से कम कितने प्रतिरोधक का मान उपलब्ध होता है? तो कार्बन प्रतिरोधक जो है कम से कम कितने प्रतिरोधक मान का उपलब्ध होता है, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है न्यूनतम 2 ओम, ऑप्शन नंबर बी है न्यूनतम 1 ओम, ऑप्शन नंबर सी है न्यूनतम 4 ओम, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन प्रतिरोधक कम से कम न्यूनतम 1 ओम के मान का उपलब्ध होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है स्वप्रेरण के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर बी है विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर सी है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वप्रेरण के सिद्धांत पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डायक किसे कहते हैं? तो डायक किसे कहते हैं, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। यह 2 परतों परंतु 2 इलेक्ट्रोड्स का होता है। ठीक है, ऑप्शन बी है यह 1 परत परंतु 3 इलेक्ट्रोड्स का होता है। ठीक, इसके बाद ऑप्शन नंबर सी देखते हैं यह 3 परतों परंतु 2 इलेक्ट्रोड्स वाला होता है, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा डायक किसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यह 3 परतों वाली परंतु इसके 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जिसे डायक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तांबे का गुण है? तो तांबा का कौन सा गुण होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 1083 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, इसके बाद ऑप्शन बी है इसके 0.1 mm तक पतले तार खींचे जा सकते हैं। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर सी है यह शुद्ध अवस्था में बहुत कमजोर होता है, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तांबे का गुण है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं वो सारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए या फिर आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आप 2 से 3 बार वीडियो देख लीजिए, आप या आपको याद हो जाएगा ये क्वेश्चन जितने भी हैं। और साथ ही साथ मैंने एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से लिंक पर जाकर आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं उस वेबसाइट पर जाकर। ठीक है, तो इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है मीटरों पर लगाने वाले टार्क क्या होते हैं?
तो मीटरों पर लगाने वाले टार्क क्या होते हैं? डिफ्लेक्टिंग टार्क होते हैं, ऑप्शन नंबर बी ग्रेविटी कंट्रोल होता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी होता है, मतलब ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है जो कि मीटरों पर लगाने वाले टार्क होते हैं। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमीटर फॉलोअर का इनपुट होता है, तो इनपुट क्या होता है? अधिक होता है या फिर कम होता है, ऑप्शन नंबर सी अनंत होता है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमीटर फॉलोअर का इनपुट अधिक होता है। ये सब आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम्स में कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम्स में ज़रूर पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, ऑसिलेटर पर लोडिंग का क्या प्रभाव पड़ता है? ऑसिलेटर पर लोडिंग का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए है फ्रीक्वेंसी में अंतर आता है, ठीक, या ऑप्शन नंबर बी आउटपुट का एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुंबकीय सिद्धांत हो जाएगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ देखिए ये थोड़ा मिस्टेक है, इनमें से कोई नहीं है की जगह पर ऑल ऑफ द एबव होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, मतलब उपर्युक्त सभी सही है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है वेलोसिटी माइक्रोन का क्या सिद्धांत है? वेलोसिटी माइक्रोन का क्या सिद्धांत है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है किरचॉफ का सिद्धांत है, या मैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत है, या ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुंबकीय सिद्धांत है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत है, वेलोसिटी माइक्रोन किसका सिद्धांत है? तो वो मैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत है। ठीक है, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि आपके साथ आपके दोस्तों का वो भी फायदा हो जाए, और जितने भी फेसबुक पर ग्रुप हो, व्हाट्सएप पर ग्रुप हो जो कि स्टडी से रिलेटेड हो, वहाँ पर आप ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बैटरी चार्जिंग के लिए कौन सा जनरेटर उपयोग में लाया जाता है? तो बैटरी चार्जिंग के लिए कौन सा जनरेटर उपयोग में लाया जाता है? इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है संट जनरेटर, ऑप्शन बी है श्रेणी जनरेटर, ऑप्शन सी है शॉर्ट संट मिश्रित जनरेटर, ऑप्शन डी है लॉन्ग संट कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए संट जनरेटर जो होता है उसका प्रयोग बैटरी चार्जिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाब कुंडली में धारा उच्च किसके कारण होता है? सॉरी, किसके कारण वोल्टेज से 90° पश्चगामी होता है, मतलब लैगिंग होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है प्रतिरोध, ऑप्शन बी है रिएक्टेंस, ऑप्शन नंबर सी है इंडक्टेंस, और ऑप्शन नंबर डी है प्रतिरोध और निम्न इंडक्टेंस। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंडक्टेंस हो जाएगा, दाब कुंडली में धारा उच्च इंडक्टेंस के वोल्टेज से पश्चगामी होने के कारण होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है श्रेणी क्रम में जुड़े आरसी परिपथ का इम्पीडेंस किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन है जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर, इसके बाद देखिए ऑप्शन बी है जेड बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और ऑप्शन सी है जेड बराबर एक्सएल इंटू एक्स सी अपॉन आर, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ दिया क्या है आरसी परिपथ के लिए, तो आरसी परिपथ के लिए इम्पीडेंस क्या होगी, प्रतिबाधा क्या होगी, तो वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रतिबाधा बराबर जेड बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है सामान्य वैद्युत मापक यंत्र एसी का कौन सा मान मापते हैं? ठीक है, सामान वैद्युत मापक यंत्र एसी का कौन सा मान नापते हैं? तो इसके बाद देखिए ऑप्शन इसका देख लेते हैं, आरसीएमएस मान नापते हैं, या आरएमएस मान नापते हैं, या फिर दोनों मापते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा एसी, यहाँ पर कह रहा है
वैद्युत मापक यंत्र एसी का कौन सा मान नापते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, आरएमएस वैल्यू जो होता है वो आरएमएस मान निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, यहाँ अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर के। और ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुपर हैट रिसीवर के ऑसिलेटर को दूसरे रिसीवर से चौक करने के लिए यदि डायल को 9800 किलो हर्ट्ज पर रखा जाए तब ऑसिलेटर कितनी फ्रीक्वेंसी पर सुनाई देगी? ठीक है, तो ऑसिलेटर कितनी फ्रीक्वेंसी पर सुनाई देगी जब 9800 किलो हर्ट्ज पर रखा जाएगा? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 455 किलो हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी है 1610 किलो हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी है 1400 सॉरी ऑप्शन नंबर सी है 980 किलो हर्ट्ज, और ऑप्शन नंबर डी है 1435 किलो हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1435 किलो हर्ट्ज। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, विद्युत चुंबक किस पदार्थ की बनी होती है? विद्युत चुंबक किस पदार्थ की बनी होती है? नर्म लोहे की कोर की बनी होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी है नर्म लोहे की कोर जिसमें धारा गुजर रही हो। ठीक, और ऑप्शन नंबर सी है इस्पात कोर, और ऑप्शन नंबर डी है इस्पात कोर जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो नर्म लोहा होता है, मृदु लोहा होता है, उसमें अगर धारा को प्रवाहित कराया जाता है तो वहाँ से समझिए कि वो चुंबक बन जाता है, विद्युत चुंबक बन जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, रेक्टिफायर्स कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है एक, ऑप्शन नंबर बी है तीन, ऑप्शन नंबर सी है दो, और ऑप्शन नंबर डी है चार। तो रेक्टिफायर्स तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं तो वो आप बताइएगा कमेंट करके मुझे। इस वीडियो को 1-2 सेकेंड के लिए पॉज कीजिए और तुरंत आप इसका आंसर बताइए कि रेक्टिफायर्स कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्फा तथा बीटा का अधिकतम मान कितना होता है? ठीक, अल्फा और बीटा का अधिकतम मान कितना होता है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 0.988 तथा 95, ठीक 95, या 0.979 तथा 97, या ऑप्शन नंबर सी है 0.999 तथा 99 मतलब 99, या ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0.999 तथा 99 मतलब 99 आपका ये बीटा का मान हो गया और अल्फा का मान 0.999 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मूविंग क्वाइल यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मूविंग क्वाइल यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन ए है इसका डीसी मोटर के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर बी है एसी मोटर के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डीसी मोटर के सिद्धांत पर मूविंग क्वाइल कार्य करता है। ठीक है, और यहीं पर अगर पूछ दे कि मूविंग आयरन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो मूविंग आयरन की बात होगी तो ये डीसी और एसी दोनों के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ पर मूविंग क्वाइल पूछा हुआ है तो मूविंग क्वाइल सिर्फ डीसी मोटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को, वो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वो लेटेस्ट आपके पास तुरंत का तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से यंत्र एसी मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं? ठीक, तो निम्न में से कौन सा यंत्र है जो एसी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? रिकॉर्डिंग यंत्र, या थर्मोकपल यंत्र, या ऑप्शन नंबर सी मूविंग कॉइल यंत्र, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थर्मोकपल यंत्र। ठीक है, तो यहाँ थर्मोकपल यंत्र के माध्यम से एसी को मापा जाता है। ठीक, और मूविंग कॉइल से क्या मापते हैं? ये डीसी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर इसके जगह पर आपका वो भी होता मूविंग आयरन होता तो वो भी सही हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, यदि ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई दी जाती है तो यह क्या होगा? तो ऑप्शन इसका देखते हैं, ट्रांसफार्मर को अगर डीसी सप्लाई दी जाती है तो क्या होगा? कार्य नहीं करेगा, ऑप्शन बी है कार्य करेगा, ऑप्शन सी है बाइंडिंग जला देगी, और ऑप्शन नंबर डी सेकेंडरी साइड पर रेटेड वोल्टेज से कम वोल्टेज देगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये बाइंडिंग को जला देगी। अगर ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई दिया जाए तो वो बाइंडिंग को जला देगी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का लॉजिक गेट इसके आउटपुट पर उच्च वोल्टेज पैदा करता है? किस प्रकार का लॉजिक गेट इसके आउटपुट पर उच्च वोल्टेज पैदा करता है जब इसके केवल एक आउटपुट पर उच्च वोल्टेज हो? ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ए है और गेट, ऑप्शन बी है एंड गेट, ऑप्शन सी है नॉर गेट, ऑप्शन डी है एग्जॉर गेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर गेट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांजिस्टर टेस्ट करने का तरीका है? ट्रांजिस्टर को किस तरह से टेस्ट किया जाता है, उसका तरीका क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है डायनेमिक, ऑप्शन बी है माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी, ऑप्शन सी है ए एंड बी बोथ, ऑप्शन सी डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए डायनेमिक विधि के द्वारा ट्रांजिस्टर टेस्ट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। समानांतर क्रम में जुड़े समान मान वाले प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध किस सूत्र से ज्ञात करते हैं? ठीक है, अगर समांतर में प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो समांतर क्रम में प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ये ना? ठीक, तो इसी तरह से ये सीरीज में हो जाएगा, सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, और पैरेलल में अगर है, ये समांतर में पूछा है, तो 1/R बराबर R1 प्लस 1/R2। तो इस तरह से आप प्रतिरोध का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, RT मतलब कि टोटल रेजिस्टेंस बराबर R/N। एन क्या है? एन आपका टोटल रेजिस्टेंस का नंबर है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस फार्मूला से आप समांतर क्रम में जुड़े रेजिस्टेंस का मान निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर्स को चलाने के लिए कौन से स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है? तो थ्री फेज मोटर जो होता है इंडक्शन मोटर, उसे चलाने के लिए कौन सा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है? तो ये स्टेटर प्रतिरोध स्टार्टर, या ऑप्शन नंबर ए स्टार डेल्टा स्टार्टर, या ऑप्शन नंबर सी ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, या ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, स्टेटर प्रतिरोध स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ये तीनों स्टार्टर से हम थ्री फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को चला सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, CRO एक इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति है जो कि क्या करती है? CRO का कार्य क्या है जो कि विद्युत तरंग आकृति का ऑडियो दृश्य दर्शाती है? ऑप्शन नंबर बी विद्युती तरंग आकृति का ऑडियो दृश्य नहीं दर्शाती है। ऑप्शन नंबर सी है विद्युती तरंग आकृति का दृश्य दर्शाती है, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह विद्युती तरंग आकृति का दृश्य दर्शाती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इल्यूमिनेशन का दूसरा नाम क्या है? आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें मेरे वीडियो को। ठीक है, इल्यूमिनेशन का दूसरा नियम क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है लैम्बर्ट का कोसाइन नियम, ऑप्शन बी है परावर्तन का नियम, ऑप्शन नंबर सी है इनवर्स स्क्वायर लॉ, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा लैम्बर्ट का कोसाइन नियम, जो कि इल्यूमिनेशन का दूसरा नियम कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जब जो दो जनरेटर समांतर में चल रहे हों तो एक जनरेटर हटा लिया जाए तो क्या होता है? ठीक, पहले जनरेटर की उत्तेजना धीरे धीरे कम हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी दूसरे जनरेटर की उत्तेजना धीरे धीरे बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर सी दोनों जनरेटरों की उत्तेजना साथ साथ बढ़ती है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी पहले की उत्तेजना धीरे धीरे कम होगी और दूसरे की धीरे धीरे बढ़ेगी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पहले की उत्तेजना जो पहले जनरेटर रहेगी उसकी धीरे धीरे कम हो जाएगी और दूसरे की
धीरे धीरे बढ़ेगी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑसिलेटर को सॉरी ऑसिलेटर की मौलिक आवश्यकताएं क्या है? तो ऑसिलेटर की मौलिक आवश्यकताएं क्या होती है? एम्पलीफायर होती है, या फीडबैक नेटवर्क होता है, या फिर एम्पलीट्यूड नियंत्रण करने का साधन होता है, या फिर उपर्युक्त सभी होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। यह ऑसिलेटर की मौलिक आवश्यकताएं में एम्पलीफायर की भी जरूरत होती है, फीडबैक नेटवर्क की भी, और एम्पलीट्यूड नियंत्रित करने का साधन भी होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एम्पलीफायर के डिस्टोर्शन का कारण है? एम्पलीफायर का डिस्टोर्शन का क्या कारण है, किसके कारण मतलब कि एम्पलीफायर में डिस्टोर्शन होता है, मतलब कि शोर उत्पन्न होता है। ठीक है, कपलिंग या बाईपास कैपेसिटर का लीक होना, ऑप्शन नंबर बी है नॉन लीनियर डिस्टोरेशन, ऑप्शन नंबर सी है फीडबैक सर्किट, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कपलिंग या बाईपास कैपेसिटर का लीक होना। जो बाईपास कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है एम्पलीफायर में, वो लोग उसके लीक होने के कारण ही एम्पलीफायर में डिस्टोर्शन मतलब कि शोर उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाउड स्पीकर कितने प्रकार के होते हैं? तो लाउड स्पीकर कितने प्रकार के हैं होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 3 प्रकार, ऑप्शन नंबर बी है 4 प्रकार, ऑप्शन नंबर सी है 2 प्रकार, और ऑप्शन नंबर डी है 1 प्रकार। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, और आप लोग अभी तक मेरे फेसबुक के पेज से अगर नहीं लाइक किए हैं, पेज को नहीं लाइक किए हैं, तो फेसबुक के पेज को ज़रूर लाइक कीजिए, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करिए, और इसके साथ साथ अगर ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर ग्रुप भी है सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर का, आप लोग सर्च करके जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे तरह के नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वायर बाउंड रेजिस्टेंस की क्या विशेषताएं होती है? ठीक, वायर बाउंड रेजिस्टेंस की क्या विशेषताएं होती है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है इसमें नमी रोकने की सामर्थ्य नहीं होती है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें नमी रोकने की सामर्थ्य होती है, और ऑप्शन नंबर सी है यह विश्वसनीय नहीं होता है, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो वायर बाउंड रेजिस्टेंस की क्या विशेषताएं होती है? तो वायर बाउंड रेजिस्टेंस की विशेषता ये होती है कि इसमें नमी रोकने की सामर्थ्य होती है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर से किस चीज़ को मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से किस चीज़ को मापा जाता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापा जाता है, एल्काइन सेल को मापा जाता है, या फिर एम्पियर को मापा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बैटरी को चार्ज करते समय कौन सी सावधानी बरतनी होगी? यहाँ देखिए चार्ज होगा, चार्ज करते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? तो इसका ऑप्शन है, चार्ज करते समय बैटरी को उचित वोल्टेज नहीं देना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर बी है तापक्रम को हमेशा 70 डिग्री सेल्सियस से बनाए रखना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सी है तापक्रम को हमेशा 60 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखना चाहिए, और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है, बैटरी को चार्ज करते समय हमें तापक्रम को हमेशा 60 डिग्री सेल्सियस बनाए रखनी चाहिए। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय रेखाओं की क्या विशेषताएं हैं? तो चुंबकीय रेखाओं की क्या विशेषताएं हैं, इसकी विशेषताएं क्या है? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में दो रेखाएं एक दूसरे को काट सकती है। ठीक, और ऑप्शन नंबर बी है बल रेखाओं में सदा खींचे रबड़ की तरफ खिंचाव होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी है बल रेखाओं में सदा खींचे रबड़ की तरफ खिंचाव नहीं होता है, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चुंबकीय रेखाओं की यह बहुत अच्छी विशेषताएं होती हैं, इम्पॉर्टेंट विशेषताएं होती हैं कि बल रेखाओं में सदा खींचे रबड़ की तरफ ही खिंचाव होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी मीटर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मीटर क्या होता है? एसी सप्लाई को मापने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी मीटर क्या होता है?
एसी सप्लाई को मापने वाला होता है, या फिर डीसी सप्लाई को मापने वाला होता है, या फिर एसी और बीसी दोनों मापने वाला होता है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा फ्रीक्वेंसी मीटर एसी सप्लाई को मापने वाला यंत्र होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए है, निम्नलिखित में से कौन बैंड स्विच के प्रकार हैं। तो बैंड स्विच के प्रकार कौन से होते हैं, तो बेड स्विच होता है, या फिर रोटरी स्विच होता है, या मेगा वाट स्विच होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोटरी स्विच बैंड स्विच का एक प्रकार है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीटरों पर लगने वाले टार्क कितने प्रकार के होते हैं। मीटर पर जितने भी आघूर्ण लगते हैं वो आघूर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 5। तो इसका सही आंसर होगा मीटरों पर 3 प्रकार के टार्क लगाए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सीरीज में करंट मीटर को किस प्रकार जोड़ते हैं। ठीक, इससे देखते हैं, इसका ऑप्शन देखते हैं। सीरीज में चूंकि ये जानते हैं कि एम्पियर मीटर जो होता है करंट की मापने वाली यंत्र जो होती है वो सीरीज में हमेशा जुड़ती है, तो वो किस प्रकार जोड़े जाते हैं यहाँ पर ये बताना है। ए ऑप्शन है इसका, शॉर्ट सर्किट के रेजिस्टेंस की जांच करते हैं और उसके स्थान पर मीटर को लगाते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका है, परिपथ को एक स्थान से खोलते हैं और मीटर के द्वारा परिपथ को पूरा करते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका है, वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल को खोलकर मीटर के द्वारा परिपथ को पूरा करते हैं। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा सीरीज में करंट मीटर मतलब मीटर लगाने का तरीका जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परिपथ को एक स्थान से खोलते हैं और मीटर के द्वारा परिपथ को पूरा करते हैं। ठीक है, और इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर प्रायः एयर कंडीशनर के साथ जुड़ती है क्योंकि यह क्या होती है, एयर कंडीशनर के साथ जुड़ती है, ये इसमें क्या विशेषता होती है। तो निम्न स्टार्टिंग और साथ ही रनिंग धारा लेती है। ठीक, इसके बाद ऑप्शन नंबर बी है, प्रचालन में शांत होती है, ऑप्शन नंबर सी सस्ती होती है, और ऑप्शन नंबर डी इन्हें किसी देखभाल की आवश्यकता नहीं होती। तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर जो होता है वो एयर कंडीशनर के साथ जोड़ती है क्योंकि यह निम्न स्टार्टिंग और साथ ही रनिंग धारा ही लेती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, रोटर परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति होती है कितनी होती है, अधिकतम होती है, या फिर ऑप्शन नंबर बी शून्य पर खड़ी हो जाती है, या ऑप्शन नंबर सी है तुल्यकालिक गति पर अधिकतम होती है, या ऑप्शन नंबर डी तुल्यकालिक गति पर शून्य होती है। तो रोटर परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति अधिकतम होती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस तरह से आज के 50 क्वेश्चन पूरे हुए हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट का तीसरा भाग था। प्रैक्टिस सेट का चौथा भाग मैं कल आप लोगों के सामने लाऊंगा। तो आप लोग अगर मेरे चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ मैंने जितने क्वेश्चंस पूछे हैं तो वो क्वेश्चन का जवाब जरूर दें। और पिछला वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जो कि था रेक्टिफायर, हाफ रेक्टिफायर जो होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, और तरंग दृष्टिकारी की रिफिल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो 50 हर्ट्ज होती है उसकी आंसर होगी। ठीक है, इसके बाद आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।